ये देखिए दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नया पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही अपना आयुष्मान कार्ड में लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है सभी के लिए। तो दोस्तों जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है उनका आयुष्मान कार्ड आप कैसे बनाओगे, लिस्ट में नाम नहीं है तो लिस्ट में नाम कैसे जोड़ना है, उसके बारे में आज बात करेंगे और आपको बिल्कुल लाइव बताएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करनी है अपना पीएमजेवाई में नाम जुड़वाने के लिए। मतलब आयुष्मान कार्ड में लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप नाम लिस्ट में कैसे जुड़वा सकते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट जरूर देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से अपना लिस्ट में नाम जोड़वाने के लिए रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि पीएमजेवाई मतलब आयुष्मान कार्ड जो होता है वो 5 लाख तक के इलाज के लिए आपके लिए काम में आता है। हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उसमें आपको मिलता है। तो उसमें अगर बहुत सारों के क्या होता है कि पात्र होते हुए भी उनका नाम लिस्ट में नहीं आता है, तो उसका नाम लिस्ट में कैसे जोड़ोगे उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हुए बताते हैं आपको कंप्लीट प्रोसेस कैसे क्या करना है। दोस्तों चलिए, तो इस पोर्टल को ओपन करने के लिए आपको क्या पड़ेगा देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करोगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है nha.gov। जैसे लिखोगे तो नीचे आ जाएगा, उसको आपको क्लिक कर देना। जैसा आप इस पर क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपके सामने, नेशनल हेल्थ इसकी फर्स्ट वेबसाइट, इसको आपको ओपन कर लेना। देखिए nha.gov.in इसी ओपन को कर लेना। ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप घर बैठे ही अपना आयुष्मान लिस्ट में नाम कैसे जोड़ सकते हो और रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हो। देखिए दोस्तों, तो आपको ये पोर्टल ओपन कर लेना। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए एक ऑप्शन मिलेगा साइड में, आपको देख लीजिए ये वाला आइकन मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाला आइकन को आपको क्लिक करना है। जैसा आप इस वाला आइकन क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं पेज प्रोसेस ले रहा है। फिर से यहाँ पे नया टैब ओपन हो गया। देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। ये देखिए दोस्तों जो मैंने बताया आपको पोर्टल, वही पोर्टल यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको एक ज़रूरी काम करना है इसमें कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे रजिस्टर यूअर, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से पेज रिफ्रेश होकर यहाँ पे आपको कुछ जानकारी मांगी जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्लीज़ सिलेक्ट स्कीम फॉर ग्रेवे रजिस्ट्रेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे किस चीज़ की है यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों रजिस्टर फॉर में सिलेक्ट करना है पीएमजेवाई। तो हम यहाँ पे पीएमजेवाई की रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो यहाँ पे पीएमजेवाई पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी इस पोर्टल में, थोड़ा सा वेट कर लेना है। बाकी यहाँ पे पूरा ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों पेज प्रोसेस ले रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पेज प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे ये इस तरीके का फॉर्म यहाँ पे पूरा खुल के ओपन हो चुका है। इस तरीके देख सकते हैं दोस्तों ये फॉर्म है जो आपको पूरा भरना है और भर के यहाँ पे इस पेज को सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि आप घर बैठे ही अपने आयुष्मान लिस्ट में नाम के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं और यहाँ पे कैसे नाम जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे यहाँ तक। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना, आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करने हैं, कौन से ईयर की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी ईयर है वो सिलेक्ट करने, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी आपको, यहाँ पे सिर्फ ईयर सिलेक्ट करने हैं, जो वर्ष होते हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डाल लेने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। लिस्ट में से आपकी स्टेट, यहाँ पे बहुत सारी स्टेट आ जाएगी, तो इसमें से कोई भी आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा, तो एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस डालना है, जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे डाल लेना है। एड्रेस डाल लिया, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप चाहे तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, इसको यहाँ भी छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे एड्रेस और ईमेल आईडी दोनों डाल रहे हैं। ईमेल आईडी और एड्रेस दोनों डालने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको गेवेंसी डिटेल्स की ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें गेवेंसी डिटेल्स में आपको सबसे पहले सिलेक्ट टाइप में सिलेक्ट क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे फिर से, तो इसमें आपको अदर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको अदर मतलब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पीएमजेवाई के, यहाँ पे आप आगे तो लिख सकते हैं इसमें। और इसमें देखिए इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल, कॉमन सर्विस सेंटर, स्टेट ऑफ, तो यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट कर लेना। अदर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम दे देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे गेवेंसी एजेंट्स, तो यहाँ पे आपको नाम दे देना है, मतलब नाम क्या दोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख देना है कि मेरा नाम पीएमजेवाई लिस्ट में जोड़ा जाए। यहाँ पे और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिए अदर सिलेक्ट करोगे तो अदर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनी मतलब यहाँ पे हर चीज़ के यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह आप किसकी रिक्वेस्ट भेज रहे हो उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब आपने अदर सिलेक्ट किया है, तो अदर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे माई नेम इज़ प्लीज़ एड पीएमजेवाई लिस्ट ऐसे आपको लिख देना है। यहाँ पे लिख देने के बाद सिंपली आपको आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी स्टेट है स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर से स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेचुरल ऑफ ग्रेवेंसी, फिर से आप यहाँ पे नेचुरल ग्रेवेंसी का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे फिर से वही लिख देना है जो आपने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। तो इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिखना आपको 3000 चैप्टर वर्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 3000 चैप्टर वर्ड क्या लिखना है दोस्तों, आपको यहाँ पे यही लिखना है कि मेरा नाम पीएमजेवाई लिस्ट में जोड़ा जाए, मैं पात्र होने के बावजूद भी मेरा नाम पीएमजेवाई लिस्ट में नहीं आ रहा है। ऐसे आपको अपने खुद के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप लिखोगे तभी तो आपको उनको पता चलेगा कि आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट आपकी जानकारी डालनी है, और जो भी आपके हैं पास में पात्र उसकी जानकारी आपको यहाँ पे कंप्लीट डालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आप पूरी जानकारी यहाँ पे डाल लीजिए, ताकि आप आपका 3000 वर्ड पूरे हो जाए। तो यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पे ये चैप्टर डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये 3000 वर्ड जो होते हैं चैप्टर होते हैं ये आपको यहाँ पे डालने हैं। डालने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे अपलोड फाइल का, तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अपलोड क्या करना है।